हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियां निरस्त कर दी गई है। जो कि 5-6 महीने पहले वैकेंसी निकली थी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, जितनी भी वैकेंसी थी सभी यहां पर निरस्त कर दी गई है। और अब दूसरे तरीके से यहाँ पर वैकेंसी को फिल करवाया जाएगा। तो कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियाँ निरस्त कर दी गई है और नए सिरे से होगी प्रक्रिया, यानी इनकी जो प्रक्रिया है वो वापस से स्टार्ट की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, 5-6 बार यहाँ पर तिथि बढ़ाई जा चुकी थी एग्ज़ाम फॉर्म की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वापस से निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि भर्ती यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट की थी, नर्सिंग ऑफिसर की थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। इनमें कितने अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे और इसका खुलासा अभी तक भी नहीं किया गया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि कितने आवेदन किए गए, कितने फॉर्म भरे गए, ये अभी तक बताया नहीं गया था। यहाँ पर बार बार जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, उसी वजह से यहाँ पर भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर नहीं करना पड़ेगा आवेदन, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको वापस नहीं भरना पड़ेगा। और क्या विज्ञप्ति है उसके रिगार्डिंग हम लोग जल्दी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स वापस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सीधी भर्तियाँ थी और यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। और पहले भी इसके 4-5 बार फॉर्म एक्सटेंड हो चुके हैं भरने के, तो यहाँ पर एक बार वापस से इसको निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेफू जो यहाँ पर जो एजेंसी थी, उसने ये जो भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जानी है। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से यहाँ पर आपको ऐड होना होगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना होगा। ओके, थैंक यू।